देखा भाई अलग ही जगह है तो वेलकम टू बोला टॉकर लोग राम राम भाई सारे भाइयों का स्वागत है हमारा न्यू ब्लॉग में। ला भाई घर से लिख दिया देव चलते हैं करनाल। आज भाई जिम में नहीं जाते, आज कहीं काम है। तैयार तूर होगा लिख लिया भाई करते। पहला भाई रमन ने ठहला करते ऑस्ट्रेलिया वाले भाई ना, तो फिर चलेंगे सीधा करनाल। चलो भाई दिखाते हैं एक बार आगे चलते हैं। लावे बाण देखो एक बार कैसे लग रहे। हाँ पार्किंग में लाया क्या रहा था भाई, बाल बोल अपने रेडी हो गए, एक नंबर हो गया सारा कुछ। ये भाई पता क्या टाइम हो गया भाई, 12:30 हो गए बहुत ज़्यादा, मतलब इतना लेट हो गया ना बस पूछो ना। और भाई जाना कि रोहतक जाना सीधा, रोहतक ते है ना आधा घंटा पहला है रास्ता रोहतक ते, मतलब 20-30 किलोमीटर पहला ही संगी गांव है थोड़ा जाना। चलो भाई चलते हैं। सही नहीं कर रहा मन छामा करके था मेरा छामा गाड़ी खड़ी कर दी थी भाई। हाँ चलो भाई चलते हैं सीधा रोहतक, रेडी हो गए दोनों भाई। ये देख लो भाई ये क्या कराया तेरा एक नंबर। चलो बताइए भाई कैसे लग रहे दोनों भाई। दिखा दो बढ़िया से जल्दी दिखा दो। इस टाइम में दिखाओ जैसे ब्लैक नहीं है नीचे दोनों है, इस टाइम में दिखा दो बड़ा साइज हो बस। हाँ ऐसे ही दिखा दो बस, इधर बस साइज और बड़ा नहीं होने का, अच्छे लगते हैं बड़े हैं देखो ना वो। नहीं ऐसे नहीं, ये तो 60-70 साल का एज हो गया। इसमें दिखा दो एक दो और इसमें। लावे पुस्ताड़ा टूल पर पहुंच गए थे तो सीधा भाई रोहतक ते भाला गांव आएगा संगी वोटा पहुंचना। चलो भाई चलते हैं एक बार सीधा। आईडी पूछे था ठीक है भाई धन्यवाद। आईडी देखे थे भाई, आईडी तो बखम ना कोई काम करा फिर नहीं दिखाई कभी। लवरा भाई एक अपना पास का भाई मिल गया था, पास के गांव का था सांभड़ेगा मगर चलो देखो भाई थर पे तो गेट उल लेंगे मगर सही है भाई। चलो भाई चलते हैं कंटिन्यू चल रहे थे। ला भाई देख लो ये पहुंच गए देवरा कौन सी जगह है पानीपत क्रॉस करने के बाद। तो ये पूरे तो भाई फ्लाई ओवर चढ़ेगा ऊपर और सीधा रोहतक जाएगा। हाँ रेड लेनी थी भाई, गलती हो गई भाई उन्होंने मोड़नी थी, ये उन्होंने मोड़ कर लेनी पड़ेगी।
ਲੈ ਬਈ ਥੋੜਾ ਸਾ ਬਸ ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਗਲਤ ਔਰ ਉਹਨੇ ਘਮਾਈ ਵੀ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਪਰ ਚੜੇ ਗਾਡੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਕਾ ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕੀ ਸਦੇਂਗੇ ਮੀਟਰ ਨਾ ਗਾਡੀ ਦਵਾਉਣੀ ਦੀ ਯਾਰ ਗੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਦੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਰਮਨ ਫਿਰ ਦੇਖੇਂਗੇ ਯਾਰ ਚਲੋ ਬਈ ਇਹ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਾਈ ਲਵਾ ਕੱਟ ਲਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਥੋੜੀ ਗਾਡੀ ਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚਲਾਏਂਗੇ ਮਲਵਾਤੇ ਹੈ ਆਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਚਲਾਤੇ ਹੈ ਗਾਡੀ ਸਪੀਡ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਦੇਵ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ ਤੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ ਤੋ ਰਸਤਾ ਮੈਂ ਦਿਖ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈ ਲਿਆ ਯਾਰ ਪਿੱਛਾ ਜੂਸ ਲਿਆ ਤਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੀ ਲਾ ਥੱਕ ਗਏ ਬਈ ਆਹ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਓ ਬਾਈ ਪਾਸਾ ਦੂਰ ਆ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਚਲੋ ਬਈ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਿਲਵਾਤੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਬਾਈ ਉਹਦੇ ਕੇ ਲਿਆ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾਈ ਸੋਫਟੀ ਵਾਈਟ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਾਂ ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਸ ਬਸ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਕੌਣ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਈ ਇਹ ਗੁਹਾਣਾ ਸੰਘੀ ਗਾਮ ਕਿਤਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਉਰ ਤੇ ਸੰਘੀ ਗਾਮ ਕੋ ਪਤਾ ਕਿਤਨਾ ਦੂਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਰਮਨ ਸੋਫਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ ਤਨਾ ਚਲੋ ਬਈ ਲੈ ਲੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਈ ਆ ਕੌਣ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਾ ਬਾਈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੰਘੀ ਗਾਮ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਬਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਹੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਬਾਈ ਮਲਵਾਤੇ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਹ ਖੜਾ ਸਾਈ ਲੈ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਚਲੋ ਬਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਡੀ ਲਾ ਦਾ ਚਲੋ ਲੈ ਲਾ ਖਾਣਾ ਲੋ ਮੰਜੀ ਲਿਓ ਲਿਓ ਮਾਰਿਆ ਗਾ ਤਾਂ ਲਿਓ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਖਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਮਿੱਠੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਲੈ ਸਾਹਿਲ ਬਾਬੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਆ ਬਾਈ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਜਬ ਖੋਲਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੋਗ ਤਬ ਇਸਕੋ ਯਾਦ ਆਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਤੂੰ ਯਾਦ ਦਵਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਬਈ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਘੀ ਕਾਮ ਬੈਠੇ ਇਸ ਟਾਈਮ
राम राम भाई राम। ठीक है भाई, मिलते हैं। ठीक है, चलो भाई फिर। हाँ भाई, ठीक है। चलो फिर भाई, थोड़ा घूमे आओ भाई खेत के कनी। मच्छी मुच्छी का बना रखा है यो? अच्छा, पानी की सप्लाई का। हाँ, क्यों आजा भाई, उरा संगी काम में आ रहे, ये देख लो तालाब है। बढ़िया लोकेशन है भाई उरा बैठने की। मगर थोड़ा आगे थे, थोड़ा थोड़ा बोर से हो रहे थे, मगर चलो बैठ जाते हैं थोड़ी देर पर ना। देख कभी पड़ जाए इसमें। बढ़िया बना रखा ना मन, बहुत बढ़िया। देखो भाई, सिंचाई विभाग है क्या? सिंचाई विभाग नहीं है ये, जल घर है, जल विभाग है। ये पानी स्टोर कर रखा है इन्होंने। सिंचाई विभाग नहीं कहते, सिंचाई विभाग तो जो खेती के लिए होता है। देख लो संगी गांव है यू, और उरा घूमन फिरन लग रहे थे भाई। ये देखो सारे भाई अपने भाई नूंगा बैठे। ये देखो, ये देख लो भाई सपोला पड़ेगा इसमें। अलग ही जगह है तो। अच्छा, गड़ाई डूंगा जाए जा ले लिया भाई पूरा इस काम काम ना। क्यों मन? बिल्कुल। एक आधा खाना छोड़ भी दे भी ना देखे। और मैंने क्या कर रहा था वो? अमन बरात में किस टाइम जाना है फिर? तो सब कह रहे थे 10-15 मिनट में। तो भाई साहिल कपड़े बदलन जा रहा, आराम तीनों गाड़ी में बैठे थे। मैंने सोच रहा था भाई बरात खत्म ना सब ना लगे ब्लॉग दूंगा, क्योंकि भाई यू ही अपना 15 मिनट का बन गया है, तो अलग ब्लॉग देंगे भाई बरात का। इब चलेंगे बस बरात में आधे घंटे बाद। तो भाई आज का ब्लॉग देखिए, बहुत ही स्पेशल रहा। इतनी दूर आए भाई, घूमे फिरे, सब कुछ दिखाया, पूरे गांव का जाय जा लिया। बढ़िया तरिया, क्यों मन? भाई सारे गांव में घूमे फिरे, फुल स्वाद आया। सब गेलो रोटी राटी खाई, बैठे उठे, बड़े बुजुर्गों गेलो सब ते मिले। बहुत मतलब कि इस एरिया में कमी आया में, पर बढ़िया लगेगा। चलो देखियो एक बार ये व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।